अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम आपको इस लेक्चर में बहुत अहम बात बता रहे हैं, वो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आमतौर पर जो बास्केटोस की 30 स्पीसीज पाई जाती है, उन स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन आज आपको बताएंगे। तो हमारे पास जो 3 इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं, उसमें सबसे पहले स्पीसीज हमारे पास है एनोफिलीज, जिसकी वजह से मलेरिया फीवर होता है, और दूसरी स्पीसीज इम्पोर्टेंट जो हमारे की बड़ी से एडीज स्पीसीज, और उससे हमारे यहाँ डेंगू फीवर होता है, पूरी वर्ल्ड में डेंगू फीवर इसके जरिए से होता है। और भी दूसरी स्पीसीज हैं, यानी कि ये जीनस है, और जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होती है, जैसे आप स्टिफेंसाई है, और दूसरी स्पीसीज हैं यहाँ एडीज के अंदर जो है एक्टस है, जिप्टाई है, सिंथियाई है, और दूसरी स्पीसीज है। इसी तरह से जो है तीसरी फुलेक्स है, और फुलेक्स जो ये जीनस है उसकी बहुत सारी स्पीसीज, तो इससे जो ना फाइलेटिसिस भी होता है, एलिफेंटियसिस भी होता है। तो ये तो डिजीज हो गई इससे, अब हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में, हमारे रिसर्च सेंटर्स में, हमारे ऑफिस में, और हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम हॉस्पिटल को देखते हैं तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे बताएं कि ये कौन सा है, और हमें कुछ पता होना चाहिए ताकि हम उसके खौफ से जो है वो उसके खौफ में मुब्तला ना हों। क्योंकि बालों का होता है कि हमें पता ही नहीं है हॉस्पिटल स्पीसी कौन सी, और हम उसको समझ लेते हैं तो एडीज की दिशा में तो डेंगू का हॉस्पिटल है, तो हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। अगर हमें पता होगा कि नहीं ये डेंगू का नहीं है, ये तो फ्लेक्स है, ये तो डेंगू वाटर मॉस्किटो है, या ये तो एनोफिलीज है, तो मलेरिया का है, तो उस हम खौफ से जो है ना मुब्तला होने में बच जाएंगे। तो इस अखबार से जो है ना हमें कुछ पता होना चाहिए। तो हम आपको जो है इसके अंदर ये वाले जो 3 पॉइंट है, ये आपको जो है ना 4 पॉइंट है, ये वाले ये आपको बताएंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। मॉस्किटो स्पीसीज हमने आपको बता दी है कि 3 स्पीसीज है जिनके हम आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं, और 3 स्पीसीज से ये जो डिजीज है इसकी वो मलेरिया और डेंगू और फाइलेरिया आपको बता दी। अब हम देख रहे हैं एग स्टेज पर भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यदि आप तीनों के एग्स देखेंगे तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जनाब ये कौन से मॉस्किटो के एग्स हैं। इस अखबार से जो एनोफिलीज है इसके जो एग्स होते हैं वो पानी के ऊपर जो है वो पानी होता है, पानी की सतह उसके ऊपर जो है इसकी शीट होती है, क्या होती है, शीट होती है, उस शीट के ऊपर जो है ना वो एग्स बहुत सारे एग्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये शीट जो है हमें इस तरह से नजर आती है कि ऐसे करके हमें पानी की सतह के ऊपर देखते हैं तो ऐसे हमें नजर आती है, उसके अंदर ये जो होते हैं एग्स होते हैं एग्स, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये पानी के अंदर हमने आपको दिखाया, तो ये पानी के ऊपर से टॉप से दिखाया, ये हम उसको साइड से देख रहे हैं, और ये इसको हम ऊपर टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से पानी के ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें ऐसे नजर आएगी। तो इसके अगर एग्स को अलग करके देखा जाए तो एग्स हमें किस किस्म के जो है ना वो नजर आते हैं, ऐसे करके इसके एग्स ऐसे करके ऐसे करके, ये जो चीज होती है ये वाली, ये इसके अंदर से कैविटीज नजर आती है, ये एग है, ये एक एग है, एक एक जो है ना इस तरह से मतलब बहुत यानी एक है जो है ना इस तरह से होता है, दोनों साइडों से ऐसे प्रेस होता है, ठीक है, एक एग ऐसा होता है। तो ये जो है ना एग इस तरह से हमें कुछ यू यू समझ लेके ऐसे करके हमें जो है ना ऐसे करके करके और ऐसे करके हमें ऐसे करके नजर आते हैं, बीच में से ऐसे प्रेस होते हैं, ये कैविटीज के अंदर फायदा है। तो ये इस तरह से एग्स हम नजर आते हैं, ये हमें ऐसे भी नजर आ सकते हैं कि ये एग जो है ऐसे ऐसे पड़ा हुआ हो पानी की सतह के ऊपर ऐसे करके, और ये ऐसे पड़ा हुआ हो ऐसे भी नजर आ सकते हैं। तो ये जो है ना ये इस तरह से ऊपर से देख रहे हैं हम नजर आ रहे हैं, ये इसकी दो साइड के ऊपर उसके जो एग्स है एनोफिलीज के ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, आंख से जल्दी से नजर नहीं आते, लेकिन हम लोग जो इनको जब देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि वाटर जो होता है जिसमें एग लिंक करवाते हैं हम लोग, उसके अंदर हम उसको ऐसे करके रिफ्लेक्शन से देखते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन से, तो लाइट जब पड़ती है तो हमें ये शीट जो है ना ये वाली शीट नजर आती है, तो उस शीट से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये एग शीट लेस है, ठीक है ना। वैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलर लेस होते हैं, इसलिए नजर नहीं आते। तो ये तो हो गया एग स्टेज, जो कि एनोफिलीज के एग किस तरह से यानी एग शीट के लाती है, एग शीट के लाती है, एग शीट तो ये हमें नजर आती है, ये सिंगल एग, ठीक है ना, ये वाला एग क्या है, सिंगल एग आपके पास, सिंगल एग,
अब आते हैं इसके ऊपर एडीज। एडीज के जो एग्स होते हैं ये सिंगल एग्स होते हैं, इंडिविजुअल एग्स होते हैं, इसका एक एक एग अलग अलग होता है। और ये जो सरफेस होती है उस सरफेस के जो यानी कंटेनर की सरफेस होती है, कंटेनर की जो वॉल होती है, उस कंटेनर की वॉल पे देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये बाउल है, कंटेनर होते हैं, ये बाउल हमने रखा है और ये बाउल जो है वो जैसे करके हमारे पास बाउल है, कंटेनर हमारे पास, इस कंटेनर के ये जो बाउल है इसके अंदर हम पानी रखते हैं, यहाँ पे पानी की सतह है और कभी वाटर है हमारे पास। ये अब ये वाटर है, इस वाटर के ये जो दीवार है ये वाली, इस दीवार के ऊपर जो है यहाँ पे इसके जो ना एच चिपके करते हैं बॉल को, ये जो दीवार है इसकी दीवार के ऊपर जो है ये एच चिपके, ये सिंगल एक्स होते हैं। हम इसको टॉप से देखते हैं यहाँ से, तो हमें ये एक्स जो है ऐसे उसकी बॉल की जो बॉल है बॉल के ऊपर जो है बॉल इसके ऊपर जो है एक्स हमें ये नजर आते हैं कंटेनर की बॉल के ऊपर, और ये सिंगल सिंगल एक्स होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एक एक एक्स अलग अलग होता है। तो ये हम जो है ना फिल्टर पेपर की शीट पर एक्स दिलवाते हैं, हम इसके ऊपर एक कंटेनर रख देते हैं, उसमें पानी डाल के ये हमने ये पानी भरा हुआ है, तो इसके अंदर जो है ना इसकी घर पे हम जो है ना पेपर शीट रखते हैं, यानी जो फिल्टर पेपर होता है उसकी शीट जो है ना उसकी स्ट्रिप पेपर स्ट्रिप होते हैं, पेपर स्ट्रिप, ये पेपर स्ट्रिप को हम यहाँ पे रखते हैं, तो उस पेपर स्ट्रिप के ऊपर ये एक्ट जो ना देते हैं। पेपर स्ट्रिप जो ना इसके बाल के ऐसे चारों तरफ होती है, बाल गोल है ना, उसके ऐसे चारों तरफ दीवार के ऊपर जो है ना हम ऐसे रखते हैं। ये जो ना मैंने ऐसे दिखाया है, लेकिन इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट पर बाल है, बाल की जो सरफेस है और ये इसका ये स्ट्रिप वो डबल है, इसको जो से बॉल है इस बॉल के ऊपर जो है ये यहाँ पे ये एक स्ट्रिप यहाँ पे लगी हुई है ऐसे है, ये इस बॉल पर स्ट्रिप। अब इसके ऊपर जो है ना ये जो है ना एक टेक्स इसके ऊपर रेड कलर की भी दिखा देते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे एक्स मुझे लगता है इसके सही आ रही बात, जो एग स्ट्रिप हम ऐसे लगाते हैं चारों तरफ, उस एग यानी पेपर स्ट्रिप जो होती है ये फिल्टर पेपर स्ट्रिप कहलाती है, फिल्टर पेपर या फिल्टर पेपर, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है ये एग जो है ना ये देते हैं, और जहाँ कहीं ये आमतौर पर किसी जगह पे एग्लिंग करते हैं, तो जहाँ पर भी ये एग्लिंग करते हैं जरूर कोई कंटेनर होता है, जरूर कोई पानी का रिजर्वायर होता है, तो उसकी वॉल्स के ऊपर करते हैं, जैसे सीमेंटेड टैंक है कोई, अगर सीमेंट का कोई टैंक है तो वो तो टैंक इस बार रखता है, टैंक होता है इस बार, तो ये जो टैंक होता है इस टैंक के अंदर जो है ये टैंक की गहराई हुई है, और ये जो है ऊपर से हम इसको देखते हैं यहाँ से टॉप से हम देखते हैं, तो इसकी ये जो दीवार होती है ये वाली दीवार जो दीवार है टैंक की, इस दीवार के ऊपर जो है ये रेक्स लगे होते हैं, ज्यादातर चार दीवार होती है ना टैंक की, और ये जो है ये इसके अंदर वाटर है, ये जो है इसके अंदर वाटर है, जैसे इसके अंदर जो वाटर है, तो ये पानी जैसे जैसे कम होता रहेगा वैसे वैसे इसकी दीवार पे ये एग्रेक करते रहेंगे, पानी अगर सूट के कम हो गया तो यहाँ पे एग्रेक करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी एक दिखाती है, स्ट्रिप पेपर भी एक दिखाती है, और ये वाटर टैंक, वाटर टैंक जो है ना वो उसकी जो वाटर टैंक की जो किनारा है और सरफेस के करीब जो जगह गीली होगी वहां पर ये एग्लिंग करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा ये तो हम क्या एग स्टेज है, हम जो है ना एग यहाँ पे एक मुख्तलिफ है और यहाँ पे एक सिंगल एग होता है, अगर एक एग को देखा जाए तो एक एग जो है ना उस रंग का होगा, इसका इसका जो है ना ऐसे करते हैं इसका ऐसा ऐसा, और ये सिरेकेड होता है, सिरेकेड यानी इसके ऊपर थोड़े से दांत से मौजूद होते हैं, अगर इसको हम आई करके देखेंगे तो इसके अंदर जो है ये यहाँ पे कैग होता है, ठीक है, जब ये यदि इसमें से लावा निकलता है तो वो ऐसे करके जो है ना वो इसका जो कैग है वो ड्रू करके और इससे अलहदा हो जाता है, यहाँ से जो है ना ये लावा भाग जाता है, ये कैप जो है ना ऐसे करके, ये कैप जो है ना ऐसे करके खुल जाता है और इसमें से लावा जो है वो बाहर निकल आता है, और इसके अंदर बीच में इसी तरह से लार्वा जो है एक एग से लार्वा निकलता है, ठीक है ना, तो ये इसके लार्वा निकलने के लिए। अच्छा इसके जो एग्स होते हैं
इसके प्यूलेक्स के जो एग्स होते हैं वो बिल्कुल जो है ना रेड कंडीशन में होते हैं, यानी वो ऐसे करके ऐसे रेड कलर में होता है। और ऐसे देखते बहुत सारे एग्स यहाँ पे, ऐसे करके बहुत सारे एग्स यहाँ पे होते हैं, यानी एग रेड की कहलाता है, यानी कश्ती के जैसे एग्स होते हैं। बहुत सारे और ये रेड की सूरत होता है, ऐसे बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोट लाइक स्ट्रक्चर, बोट लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, इसको रेड कहा जाता है। ये इसमें कौन सा है, ये वाटर सरफेस होती है, ये वाली इस वाटर सरफेस के ऊपर ये कश्ती की तरह से तैर रहे होते हैं। तो देखिए तीनों के एग्स में बहुत फर्क है, इसके एग जो है वो एक शेड के कंडीशन में है और इसकी जो एग है वो सिंगल एग्स है, सिंगल है, एक एक एग्स इंडिविजुअल है, जबकि यहाँ पे एक एग नहीं है, यहाँ पे बंच की सूरत में और रेड की सूरत, इसको बंच भी कह सकते हैं, बंच बंच शेप, बंच शेप में इसके जो है ना एग्स पाए। तो ये फर्क हो गया आपके पास इसका एग्स का। ठीक, अब आ जाए हम जो है वो बात करते हैं लार्वल स्टेज पे, तो लार्वल स्टेज के अंदर भी डिफरेंस होता है। इसका जो लार्वा होता है एनोफिलिस का, ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, और इस वाटर सरफेस के ऊपर जो एनोफिलिस का लार्वा होता है वो ऐसे होता है, ये इसका हेड है, ये इसका थोरैक्स हो गया, और ये इसकी जो है वो एब्डोमेन, और ये जो है एब्डोमेन के बाद ये इसका जो है वो साइफल कहलाता है, ये साइफल कहलाता है, साइफल 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 कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये इसकी जो है क्या पे इसकी ये हाइट होती है इसकी, और ये इसके जो है वो इसकी जो पूंछें होती हैं वो थोड़ी सी इसकी नजर आएगी आपको। ठीक है, तो इस तरह ये कौन सी कंडीशन होती है, ये इसका थोरैक्स, ये वाला थोरैक्स, ठीक है ना, ये थोरैक्स, तो ये इसकी कौन सी कंडीशन होगी, वाटर सरफेस के साथ डिग्री कितनी बनेगी है, ये वाटर, ये इसका साइफल है, जो सांस लेने का हाल है वो यहाँ से होता है इस वाले से, ठीक है ना, ये वाला ये साइफल, ये साइफल, ये तो ये जो है ना पैरेलल टू दी वाटर होता है, ये वाटर सरफेस है और इस वाटर सरफेस की तरह से जो ना ऐसे ही लार्वा भी होता है, यानी वाटर सरफेस के ऊपर जो है ना पैरेलल टू दी वाटर होता है और वो जीरो डिग्री पे होता है, ये वाटर सरफेस के साथ, ये वाटर सरफेस है और ये इसका लार्वा है, डिग्री क्या बनेगी इसके पीछे, जीरो डिग्री बनेगी और ये पैरेलल टू दी वाटर कहलाएगा। इसका जो लार्वा होता है इसका वो पैरेलल टू दी वाटर, पैरेलल टू दी, हमेशा आपको वाटर सरफेस के ऊपर ऐसे सीधे मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एडिस का लार्वा है, एडिस का लार्वा जो है ना उसका डिफरेंट शेप जो होता है, ये जो होता है ये इसका साइफन होता है, ये वाला, और ये जो है ना इसकी बॉडी होती है उसे करते हैं, और ये इसका मैंने बना दिया इसका थोरैक्स, और ये इसका मैंने बना दिया हेड, और ये इसकी बना दी मैंने पूछे, ठीक है ना, और ये इसकी बना दी बना के। तो ये देखिए ये कुछ इसका होता, अब ये वाटर सरफेस ही है, तो वाटर सरफेस के साथ इसकी जो डिग्री है वो कितनी बनेगी, वाटर सरफेस की तरह करीब कर सकता है, ये इसका साइक्लोन है ये वाला, और ये वाटर सरफेस है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन लेता है वो सरफेस से, और ये तो ऑक्सीजन ले रहा था वो यहाँ से लेगा पैरेलल टू दी वाटर। अब ये जो डिग्री है यहाँ से यहाँ तक की कौन सी डिग्री बनी, और ये डिग्री क्या बनी थी पैरेलल टू दी वाटर थी, जीरो डिग्री बनी। अधिवासन तो ये जीरो डिग्री पे है और वो 90 डिग्री पर, जबकि इसका जो लार्वा है, इसका जो लार्वा है वो जो है ये इसका जो है वो साइफन है ऐसे करके, और ये इसका जो है वो लार्वा बना दिया हमने यूं करके, और ये इसका हमने थोरैक्स बना दिया बड़ा करके, और ये इसका हमने जो है वो हेड बना दिया, और ये हेड जैसे ये इसके आंखें बन गई, और ये इसका है। अब ये जो है वो ग्लू करके हम देखते हैं वाटर सरफेस को, तो ये जो डिग्री बनती है हमारे पास ये वाली वो बनती है 45 डिग्री,
तो ये देखेंगे ये इन तीनों के अंदर फर्क है। ये जीरो डिग्री जीरो डिग्री पर है पैरेलल टू द वाटर, ये 90 डिग्री पर है, पानी का सरफेस ये है और ये लावा है, तो ये 90 डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पर होता है, यानी हैंग कर रहा होता है बिल्कुल ऐसे अप एंड डाउन, इसका जो साइकिल ऊपर होता है और इसका जो हाइड्रेशन नीचे होता है, जबकि ये 45 डिग्री पे होता है, एक डिफरेंस इसलिए होता है लावा के अंदर कि इसका साइकिल जो है ना होने के बराबर होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, डायरेक्ट के सरफेस के ऊपर है, छोटा सा होता है, डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ले रहा होता है, ठीक है ना। इसका साइफन जो है वो थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये भी एयर से जो है ना वो ऑक्सीजन ले रहा होता है, और इसका साइफन जो है ना बड़ा होता है, क्यूलेक्स का साइफन बड़ा होता है और वाजे तौर पर नजर आ रहा होता है, लिहाजा जो है वो ये लार्वे के अंदर फर्क होता है। अब आ जाए पीपल स्टेज, पीपल स्टेज में तीनों के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं, ये कॉमन शेप होते हैं ऐसे करके, ये वजन में होते हैं और ये जो है वो ऐसे करके नजर आते हैं, ये इसकी बॉडी होती है और यहाँ पे जो है ना ये इसके दो साइकिल होते हैं, ये इसका हेड होता है, तो ये जो है ना इनके साइकिल यहाँ पर होते हैं, ये साइकिल ये वाले दो साइकिल साइकिल, तो ये कॉमन शेप होते हैं, इसके अंदर भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही होता है कि ये जो है ऐसे करके कॉमन शेप होते हैं, ऐसे करके, तो ये भी कॉमन शेप यदि बाकी जो बॉडी है सब जैसी होती है, ये इसके जो सीक्वेंस होते हैं बॉडी के, तो ये जो इसमें इसमें आईज यहाँ पर होती है, ये आईज होती है इसकी आई होती है जो इसकी भी यहाँ पर आई होती है, तो ये जो है ना इस कंडीशन में जो है ना प्यूपल कंडीशन में ये फीडिंग नहीं करते, दे डू नॉट फीड इन द प्यूपल स्टेज, इसमें फीडिंग नहीं करते, लार्वल स्टेज में फीडिंग होती है लेकिन प्यूपल स्टेज में फीडिंग नहीं होती। अच्छा इसमें डिफरेंस नहीं है, तकरीबन इनके एक जैसे होते हैं, बस ये जो एडियस का लावा होता है इसके अंदर थोड़ा सा ये तो ब्राउन कलर कलर जो है ना थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि कलर थोड़ा सा मिक्स करता है, एक तो ब्राउन कलर होता है और ये जो फ्रिज का होता है ये तकरीबन जो है ना ग्रेश कलर का, ग्रे ग्रेश कलर, और ये वाले जो है ना ये ग्रेश कलर होते हैं, ग्रेश ये इसमें फर्क होता है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं। हाँ इनके मूवमेंट में फर्क होता है, मूवमेंट में क्या फर्क होता है कि इसके जो पीपी होते हैं कंपनीज के फास्ट मूवर होते हैं, क्या होते हैं फास्ट मूवर, बहुत तेज मूव करते हैं, और डाइव जो लगाते हैं जो पानी के अंदर डिप होते हैं तो बहुत तेजी के साथ होते हैं, और इनके जो है वो जंप कंडीशन होती है, जंप झटक होते हैं ऐसे, और इसमें जो है इसमें तो डायरेक्ट ये इसी तरह से होते हैं, यानी बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं, तो ये प्यूपल कंडीशन में कुछ ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, अलबत्त ये ग्राउंड कलर की वजह से ये लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन इनके और यानी एनोफ्रीस और क्यूलेक्स के प्यूपल के अंदर डिफरेंस जरा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना, लेकिन बस ये होता है कि इनका साइज जरा सा छोटा होता है, और इसके प्यूपी जो है वो ब्राउन कलर के भी होते हैं, लावा जो ना इसका जो लावा है ये क्रीम कलर का होता है, क्रीम कलर, जबकि ये जो है ये ब्राउनिश यानी ब्लैकिश ब्राउन ब्लैक कलर की होते हैं, ये वाले क्यूलेक्स के और एनोफिलेक्स के। अब हम बात कर रहे हैं एडल्ट स्टेज, ठीक है, एडल्ट स्टेज जो है ना वो हम एडल्ट स्टेज में हमारे पास दो चीजें आती है, एक चीज आती है हमारे पास ये जो एनोफिलेक्स का लार्वा ये एडल्ट है, ये जो ये सरफेस सरफेस के ऊपर बैठता है तो ये ऐसे बैठता है ऐसे करता है और ये कहलाती है 45 डिग्री, यानी ये एडल्ट स्टेज पे ये जब भी बैठेगा तो ये 45 की डिग्री पे एडल्ट स्टेज की बात हो रही है, वो जो 45 की डिग्री थी हमारे पास कहां पे आई थी वो वहां पे आई थी हमारे, तो उसके लार्वे के अंदर 45 क्यूलेक्स
मगर ये एनोफिलीज के एडल्ट के अंदर 45 सिटिंग पोजीशन है, जो सिटिंग पोजीशन ऑफ एडल्ट सिटिंग पोजीशन ऑफ एडल्ट, ठीक है ना। तो ये एडल्ट जो 45 की डिग्री पे बैठता है, आप कभी भी इसके मास्पिटल को देखोगे कि वो अगर 45 की डिग्री पे भी एडल्ट बैठा हुआ है तो समझ लो कि वो एनोफिलीज का मास्पिटल बैठा है 45 की डिग्री, तो बिल्कुल वाजे तौर पर क्लियर नजर आता है। अच्छा, ये दोनों जो मॉस्किटो हैं, इनके डीज और क्यूलेक्स, ये जो है ना बिल्कुल हम टाइप स्टेज पे बैठे, ऐसे बैठे हम, इसको बोलते हैं हम लाइक, हम लाइक पोजीशन। क्यों हम लाइक पोजीशन? क्यों कि आपने ऊंट का कैमल का हम देखा है, तो हम उसको बोलते हैं कैमल की पीठ जो होती है बैक ऑफ कैमल, उसको हम बोलते हैं हम होता है, तो हम लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। तो वो हम अगर हाथ पोजीशन से बताना चाहें तो ऐसे बैठे, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो ना ऐसे बैठे, तो ये हम लाइक पोजीशन बनेगी। तो एडीज और क्यूलेक्स के मास्पिटोस के जो एडल्ट हैं, वो दोनों के दोनों जो हैं वो हम लाइक स्टेज में बैठते हैं, ये दोनों की स्टेज जो है ना वो हम लाइक, ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर हम लाइक स्टेज एडल्ट। तो इस तरह से जो है ना ये दोनों के अंदर जो है फर्क है, ये सिर्फ जो है वो 45 की डिग्री पे होता है और बाकी ये जो है हम लाइक स्टेज पे दोनों के दोनों बैठे। अब इसके अंदर फर्क क्या होता है कि सिटिंग में तो हमें इन दोनों का पता नहीं चलता क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है, लेकिन एडल्ट को देखकर हम अंदाजा, सिटिंग पोजीशन सेम है लेकिन एडल्ट को देखने में फर्क है। इसका जो एडल्ट होगा उसके लेग्स के ऊपर और बॉडी के ऊपर जो है ना व्हाइट बैंड्स होंगे, क्या होंगे? White bands. इसके, जबकि इसके जो इसकी बॉडी के ऊपर नो बैंड्स, कोई बैंड नहीं होंगे, नो बैंड्स, नो व्हाइट बैंड्स, नो व्हाइट बैंड्स। जबकि ये जो है इसका जो एडल्ट है उसके फोर विंग्स पर जो है ना दो ब्लैक स्पॉट्स मिले, इसके टू ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स ऑन फोर विंग्स, ये है इनका चारों का डिफरेंस। तो आप देखेंगे हम जो है ना, अगर हम जो है एक स्टेज को देखें तो एक्स को देखकर भी मॉस्किटोज की किस्म को पहचान सकते हैं कि ये एरोफिलीज के एक्स हैं, ये एडीज के एक्स हैं या ये क्यूलेक्स के एक्स। क्लियर होने के बाद एक्स को देखकर भी हम पहचान सकते हैं, ठीक। हम जो है उसकी लार्वल स्टेज को देखकर भी बता सकते हैं कि ये एरोफिलीज का लार्वा है, ये एडीज का लार्वा है या ये क्यूलेक्स का लार्वा है, पोजिशन इनकी डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, हम जो है वो पिपल स्टेज को देखकर भी बता सकते हैं किसी हद तक कि ये जो है वो जो है वो किसका वो यानी पिपा है। सिर्फ एडिस का जो पिपा है वो ग्रे ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इन दोनों के पिपो में कोई फर्क नहीं होता, पिपीज में फर्क नहीं होता, यानी एनोफिलीज और क्यूलेक्स की पिपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। और जो एडल्ट स्टेज है उसके अंदर वाजे तौर पर फर्क है कि एनोफिलीज का 45 के डिग्री पे होता है और ये दोनों हम लाइक स्टेज होते हैं। अब जो दोनों हम लाइक स्टेज होते हैं तो आप उसकी सिटिंग पोजीशन तो सेम है लेकिन उसकी बॉडी के कलर को देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये एडीज का मॉस्किटो है या ये क्यूलेक्स का मॉस्किटो, ठीक है ना। तो एडीज जो होता है उसके ऊपर व्हाइट बैंड्स होंगे ऑन लेग्स, है ना, और एडीज की पहचान ही यही है कि उसके लेग्स के ऊपर व्हाइट बैंड्स, व्हाइट एंड ब्लैक बैंड्स मौजूद होते हैं। ब्लैक इसलिए कि वो ब्लैक लेग्स होते हैं और व्हाइट बैंड होंगे तो व्हाइट ज़ेब्रा, ज़ेब्रा लाइनिंग भी कहते हैं, ज़ेब्रा की तरह व्हाइट एंड ब्लैक जो सड़क में वो बनाते हैं उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, तो इसको ज़ेब्रा लाइनिंग भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि व्हाइट एंड ब्लैक बैंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस अखबार से इसको हम इन दोनों में से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही आपको इस वीडियो के तवस्सुस से और इस लेक्चर की के तवस्सुस से आपको जो है ना एक और नई खास बात आपको बता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप जरा सा और करें कि इनकी जो लाइफ स्टेज है वो कितने दिनों तक की होती है,
यानी एग टू एडल्ट कितने दिनों में बन जाता है? पहले भी आपको बताया जी, तकरीबन 7 to 10 days, 7 to 10 days, सात से 10 दिन में ये एग टू एडल्ट बन जाता है। 10 दिन के अंदर समझ, 7 to 10 days है ना, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर लो है तो ज्यादा दिन लगेंगे, टेम्परेचर अगर हाई है, गर्मियों की सीजन है तो जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपको समझाने की बात है, जरा सा और कीजिए कि इसी लेक्चर में आप एक नई बात को समझ सकते हैं, और वो बात है इवोल्यूशन की, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं। देखें कि यहाँ पर जो है ये जो लार्वल स्टेज है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पर मौजूद है? तीनों के लार्वल में रेस्पिरेटरी सिस्टम टेल में मौजूद है, यहाँ पे भी टेल में है, यहाँ पे कहाँ पर है रेस्पिरेटरी सिस्टम? इसका टेल में गिर रहे आप तो ये जो प्यूपल स्टेज है, प्यूपल स्टेज में मैंने साइकिल जो आपको बताया, कौन सा बताया ये वाले, तो अच्छा पहले एक साइकिल था और अब कितने साइकिल है, तो इसमें भी दो है और इसके अंदर भी तो पहले एक साइकिल था लार्वल स्टेज में और अब प्यूपल स्टेज में दो साइकिल है, और पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम टेल रीजन में था और अब कहां पर है, हेड रीजन में, यहां पर भी हेड रीजन में एचआर लिख देता हूं, यहां पर भी हेड रीजन में एचआर, ये यूनिक साइन आपको बता रहे हैं, ये आपको थ्योरी बताएगा, यानी आप जो है ना वो मेटामॉर्फोसिस जो है मॉस्किटोस की, जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, उस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो कि 7 से 10 दिन के अंदर हो जाती है, उस 7 से 10 दिनों के अंदर जो ना रेड रेस्पिरेटरी सिस्टम की पोजीशन चेंज होती है 3 बार, यानी 7 से 10 दिनों में 3 मरतबा रेस्पिरेटरी सिस्टम की पोजीशन चेंज होती है बॉडी के अंदर। देखिए यहाँ पे टेल रीजन में था लार्वल स्टेज में तीनों के अंदर, और यहाँ पे जो ना हेड रीजन में है प्यूपल स्टेज के अंदर। अब जब जो है ना ये एडल्ट बनते हैं, तो एडल्ट के अंदर जो है ना, मैं एक एडल्ट यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे जगह ज्यादा है, यहाँ पे डाल देते हैं हम एडल्ट, एक एडल्ट बना लेते हैं, ये इसका सर हो गया और ये इसका जो है ना वो थोरैक्स हो गया और ये इसकी जो है ना वो एक्टोपिन हो गई, ये मैं एडल्ट पासी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, और ये इस जो है ना वो ये माउथ पार्ट होंगे यहाँ पे, तो ये इसकी जो है ना चोंच कहलाएगी और ये इसकी जो है ना वो कहलाएगी क्या, ये इसके एंटीना कहलाएगी, ये बुशी बुशी बच्चे इसकी चोंच है, और ये इसकी जो है ना यहाँ पे हम आँख बना देते हैं, ये इसकी आँख बना दी है। तो अब ये जो है इसके अंदर इसके लेग्स भी होंगे जाहिर सी बात है, तो इसके हमने 3 यहाँ पे बना दिए और 3 इसके साइड पे जो है ना नजर आते हैं, तो यहाँ पे हम आगे की साइड पे ही इसको हम शो कर सकते हैं, इसके 6 लेग 3 पेयर्स, तो 3 पेयर्स जो है ना ये जो थोरेक्स होता है, थोरेक्स के 3 पार्ट होते हैं, थोरेक्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रो थोरेक्स, मीजो थोरेक्स और हाइंड थोरेक्स, ये जो 3 पार्ट है, तो एक लेग पेयर यहाँ पे होता है, एक लेग पेयर यहाँ पे होता है, एक लेग पेयर यहाँ पर होता है, यानी थोरेक्स के 3 पार्ट है और हर पार्ट में एक पेयर ऑफ लेग मौजूद होता है, एक लेग इस तरफ एक लेग इस तरफ, ठीक है ना। तो हमने चीज यहाँ पे एक साइड पे दिखा दिया फिलहाल। अच्छा इसी के अंदर जो है ये जो सेंटर वाला होता है, यहाँ पे इसके विंग्स होते हैं, 2 विंग यहाँ पे होते हैं और 2 विंग जो है ना वो इसके यहाँ पे दूसरे वाले इसके अंदर होते हैं, ये इसके अंदर तो 2 विंग होते हैं, 2 विंग जो है ना वो डिप्टेरा के अंदर ऑल्टर्स कहलाते हैं, ऑल्टर्स है ना, वो फ्लाई के अंदर मिलते हैं। तो कहने का मकसद ये है, अब यहाँ पे जो एडल्ट स्टेज है, एडल्ट स्टेज पे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ होता है बताया आपको, लार्वल स्टेज में टेलीविजन के अंदर था, प्यूपल स्टेज में हेड रीजन के अंदर था, अब मुझे बताएं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एडल्ट स्टेज में कहां, देखिए एडल्ट स्टेज में जो है ना ये थोरैक्स है ना, थोरैक्स, ये थोरैक्स है, थोरैक्स के यहां पर और एब्डोमिन के हर सेगमेंट में दोनों साइड पर होता है, एब्डोमिन और थोरैक्स के, भाई एब्डोमिन है थोरैक्स है, फर्स्ट लोग की ये एब्डोमिन है इसकी, तो इस साइड और इस साइड, ठीक है ना, दोनों साइड पर ये स्पाइरल्स होते हैं, क्या होते हैं स्पाइरल्स,
particles. ऑक्सीजन अंदर जाती है और उसके अंदर ट्रेकियल सिस्टम होता है। ट्रेकियल सिस्टम में ऑक्सीजन अंदर चली जाती है डायरेक्ट एयर से और उस ट्रेकियल सिस्टम में ऑक्सीजन लॉक हो जाती है और वो सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी के अंदर और वहां पे जो है ना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो खारिज होती है। तो बाकी को स्पाइकल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट स्पेस में डायरेक्ट एनवायरमेंट में शिफ्ट हो जाती है। बात आगे सुनिए, तो अब मुझे जरा से ये बताएं कि जनाब जो लार्वल स्टेज है वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम टेल रीजन में है, ठीक। जब वो प्यूपल स्टेज में है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेड रीजन में, बिल्कुल एक टेल रीजन था अब हेड रीजन में आ गया, बिल्कुल अपोजिट आ गया, 100% अपोजिट टेल रीजन हेड रीजन। और जब वो एडल्ट बनता है तो टेल रीजन और हेड रीजन के बीच में है लेकिन आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ना एक छोटे से इंसेक्ट में मॉस्किटो के अंदर जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम की पोजीशन को चेंज करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज पर कादिर है कि वो चीजों की सिस्टम्स की पोजीशन को भी चेंज फरमा दे। जैसे मोलस्का के अंदर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मोलस्का जो है उसके अंदर एक टॉर्जन होता है, टॉर्जन। तो टॉर्जन जो होता है वो 100% जो है ना वो जो ऑर्गन्स होते हैं जो टेल रीजन में होते हैं वो हाइड्रोजन में आ जाते हैं, जो हाइड्रोजन में होते हैं वो टॉर्जन कहलाता है। ये मोलस्का के अंदर पाया जाता है तो वहां पर भी देखिए टॉर्जन होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो कि हर चीज